थैंक्स टू प्रिंसिपल सर, टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। हुआ, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका VKS फिजिक्स अकेडमी में। फाइनल ईयर एग्जाम का जो पैटर्न है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं विद्यार्थियों के मन में। यहां पर हम बात करेंगे MGSU विद्यार्थियों की, जो फाइनल एग्जाम का जो पेपर है वो कैसा होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। अभी कुछ दिन पहले जो स्टेटमेंट आया था कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, 50% क्वेश्चन करने होंगे, तो वो सभी पर फॉलो नहीं हो सकता है। यूनिवर्सिटियाँ अपने अपने अकॉर्डिंग ऐसा करेंगी और उस पर टाइम टेबल भी जारी हो चुका है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, उस पर भी आपको उस डाउट को क्लियर करूंगा। मैं आपको जो न्यूज़ दे रहा हूँ वो इस आधार पर है कि जो कॉलेजों के अंदर प्रिंसिपल होते हैं उनके पास सारी जानकारियाँ होती हैं, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनके होते हैं। तो मैंने 2-3 प्रिंसिपल से बात की है और उन्होंने यही कहा है कि जो ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम है ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही दिन में एक विषय के सारे जो पेपर है वो नहीं हो सकते हैं। पेपर जो है वो बिल्कुल एक दिन में एक ही पेपर होगा, परीक्षा का समय 2 घंटे होगा। 50% वाला जो सिस्टम है उस पर उन्होंने बताया कि पेपर में आपको विकल्प ज़्यादा मिल जाएंगे, मतलब पर्सन करने की चॉइस आपको ज़्यादा मिल जाएगी, और अभी 2-4 दिन के अंदर आपका जो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा जिनका टाइम टेबल आ चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने कल आपको अपडेट दी थी कि MGSU यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया है उन विद्यार्थियों के लिए जो पिछले 70 के अंदर यानी पिछले पेपर में कोविड की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे उनके लिए। तो यहाँ पर आपने ध्यान किया होगा कि ये पेपर रेगुलर, देखिए आप, कोई गैप नहीं है, 26, 27, 28, 29, 30 इस तरीके से 4 अगस्त तक हैं। और यहाँ पर देखिए टाइम, अगर इस समय उन विद्यार्थियों के लिए 2 घंटे का पेपर है, रेगुलर पेपर अगर हो रहे हैं बिना गैप के, तो अब जो विद्यार्थी नए हैं उनका पेपर इस तरीके से क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन संभावनाएं ये है कि आपको 1 या 2 दिन का गैप भी दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर, लेकिन इस एग्जाम में गैप नहीं दिया गया है जो कोविड के विद्यार्थी थे पीछे जो पेपर नहीं दे पाए थे उनके लिए। बाकी आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो एडमिट कार्ड पे ये लिखा होगा कि पेपर है वो किस टाइप का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, धन्यवाद।